सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो महे हरौ कलेश विकार। ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। बस एक बार हो गए श्री अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। संसार का हर प्राणी हर जीव गतिशील है। किसी में भी देखिए तो कोई स्थिर बैठा हुआ नहीं है। हर आदमी हर जीव प्रयासरत है, चल रहा है, उद्योगशील है। इसका मतलब है कि मनुष्य की कुछ इच्छा है, मनुष्य की कुछ इच्छा है, मनुष्य कुछ करना चाहता है, इसलिए गतिशील है। जिसको कुछ नहीं करना वो चादर ओढ़ कर पड़ जाएगा। नहीं, हमको कुछ करना नहीं है, बस चादर ओढ़ कर पड़ जाएगा। विश्राम बोलते हैं ना, विश्राम, विश्राम में चला गया। कर्म सबको करना चाहिए, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख जाना ही मर जाना है, निर्झरिया झरकर कहता है। हा? क्या बोलते हैं, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झरिया झरकर कहता है। रुक जाना तो मर जाना है, कर्म करते रहिए, है ना, कर्मशील होकर के संसार में रहिए। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। कर्म किए बिना संसार में कोई आदमी नहीं रह सकता, लेकिन कर्म कैसे करना है समझ बूझ करके करना चाहिए, होश में करना चाहिए। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी जा रहे थे अपनी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जा रहे थे तो घर से बाहर निकले और ड्राइवर ने सेठ जी को गाड़ी पर बैठाया। सेठ जी बैठ गए, गाड़ी खुल गई, सेठ जी पहुंच गए अपने फैक्ट्री कारखाना। जब वहां पहुंच गए तो चाबी लेना भूल गए फैक्ट्री का। चाबी कहाँ रह गई, घर में। तो देखिए सेठ जी को भूख भी लग गई है, सारे साधन है खाने पीने का, वहाँ बैठने की सारी व्यवस्था है, लेकिन खड़े हैं बेचारे, परेशान हैं। किस असावधानी के कारण चाबी नहीं लिया, ठीक है ना। तो कर्म हम कैसे करें, सावधान होकर के कर्म करें। चौराहे पर लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए हमेशा सावधान रहिए, बी केयरफुल, हमेशा क्या रहिए, सावधान रहिए। असावधान नहीं रहिए नहीं तो एक्सीडेंट होगा। एक कहानी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कहानी के माध्यम से सब बात जो हम बोलना चाहते हैं समझ जाइएगा। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी थे तो बूढ़े हो गए बेचारे, अपने जीवन में बहुत धन अर्जन किया, बहुत प्रतिष्ठा कमाया। सेठ जी को दो बेटा, सेठ जी की ख्याति दुनिया में बहुत हो गई, उती बोलती थी,
नगर सेठ की जय, नगर सेठ की जय। सेठ जी अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ठीक नहीं हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला घर ले जाइए, ये ठीक नहीं होंगे। घर ले आया बेटा, और सेठ जी अपने पलंग पर लेटे रहते थे, दर्द के मारे कराहते रहते थे, तड़पते रहते थे। अब सेठ जी का आखिरी समय आ गया। जब सेठ जी का आखिरी समय आ गया तो बेटा सोचा कि पिताजी के पास बहुत संपत्ति है, तो सब संपत्ति इधर उधर हो जाएगा। तो पिताजी के पास गया, बोला पिताजी बताइए, चाबी का इशारा किया ऐसे, बाप समझ गए कि संपत्ति खोज रहा है। तो बाप के मुंह में आवाज़ नहीं है, माई लड़खड़ा रही है, कुछ बोल नहीं सकते। तो सेठ जी लिख देते हैं कलम से, कागज़ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेटा ठंडे ठंडे दुकान जाना और ठंडे ठंडे दुकान से आना। क्या कहा? ठंडे ठंडे दुकान जाना और ठंडे ठंडे दुकान से आना, स्वादिष्ट भोजन रोज करना, रोज स्वादिष्ट भोजन करना। और क्या कहा? स्वादिष्ट भोजन रोज करना और जो भी उधार मांगे दे देना, और तगादा मत करना, तगादा मत करना। बेटा समझ गया, बोले ठीक है पिताजी। पिताजी इतना कह कर लिख करके राम नाम सत हो गया। अब बेटा सोचा कि पिताजी का आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण ने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल वन में चले गए, तो क्या हम इतना पालन भी नहीं करेंगे? इतना तुम करेंगे ही, माता पिता का पालन आज्ञा का इतना तो हम भी करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, ठंडे ठंडे आना, ठंडे ठंडे जाना। तो सुबह सुबह दुकान जाता था तो 4 किलोमीटर की दूरी पर दुकान थी घर से, 4 किलोमीटर तक उन्होंने छत डाल दिया कि गर्मी में कैसे जाएंगे, ठंडे ठंडे जाने के लिए बोले 4 किलोमीटर तक छत डाल दिया मकान से दुकान तक। करोड़ों रुपए खर्चा हो गए। फिर बोला स्वादिष्ट भोजन करना, तो रोज मांगी मांगी वस्तु मंगा करके खाने लगा। फिर कहा जो भी कर्जा मांगे उसे दे देना, और उधार तगादा मत करना, उधार उसको फिर दोबारा मांगना मत, है ना। ये भी करने लगा, जो भी कर्ज मांगे उधार दे दे, मांगता नहीं था। गरीबी आ गई, गरीबी आ गई, खाने को मोहताज हो गया। तो एक दिन अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई, रोटी के बिना मोहताज हो गया। हम तो पिता का आदेश का पालन भी किया। मुंशी ने कहा रे तुम्हारे पिताजी तो बहुत धनवान थे, पुत्र छोड़ के गए हैं और तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कहा कि महाराज हमारे पिताजी ने लिख कर गए हैं, देखिए क्या लिख के गए हैं भाई, ठंडे ठंडे आना ठंडे ठंडे जाना। मतलब हमने ये समझा कि छाया में चलना है, धूप में नहीं चलना है। इसलिए मैंने क्या किया, मकान से दुकान तक पूरा एकदम ढलाई करा दिया। करोड़ रुपए खर्च हो गए। स्वादिष्ट भोजन करना तो स्वादिष्ट पदार्थ मंगाने लगा, पैसे बहुत खर्च होते हैं भोजन में। उसके बाद फिर फिर उन्होंने कहा कि किसी को उधार देना तो वापिस नहीं मांगना। वो भी करने लगा,
तो बहुत सारा पैसा जो लिया लेते ले लेता था, वापिस देता नहीं था, गरीबी आना स्वाभाविक है। तो कह रहे तूने पिताजी की बात समझा नहीं भाई, तूने पिताजी की बात समझा नहीं, ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आने का मतलब ये हुआ तुम्हारे पिताजी तुमसे कहना चाहते थे कि सुबह सुबह दुकान में पहुंच जाना ठंडे ठंडे, और जब पूरा शाम हो जाए हाँ, जब गर्मी समाप्त हो जाए तब घर में आना। स्वादिष्ट भोजन करना मतलब खूब भूख लगे तब भोजन करना, जब खूब भूख लगे अरे तितिचा होगी तभी ना दुकान में बैठोगे भाई, तभी ना ग्राहक आएगा तुम्हारा। बोला तूने समझा नहीं भाई। बोला और कुछ लिखे? बोला हाँ और लिखे थे। बोला क्या? बोला कोई उधार मांगे तो दे देना और फिर तगादा मत करना। बोला रे भाई तू समझा नहीं, तू नहीं समझा। अरे उसी को उधार देना जो पैसा वापिस कर दे, इसका मतलब हुआ उसी को उधार देना जो पैसा वापिस कर दे, उसको उधार मत देना जो ले ले और देना। पिता के उपदेश को वो लड़का मुंशी ने समझा दिया है और अब वो संभल गया, वो लड़का संभल गया। देखिए संसार में भी जीने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं है? संसार में भी जीने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर रह जाओगे है, आर्थिक स्थिति से कमजोर रह जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए सावधानी से रहो, बुद्धिमान भी रहो और दुनिया का काम भी अपना करते रहिए, ईश्वर की भक्ति भी करते रहिए, सत्संग भी करते रहिए, है ना? है ना? हाँ, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता प्रभु पर छोड़ो, कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, फल महात्मा गांधी ने कहा तुम अच्छा कर्म करोगे तो भगवान अच्छा फल देंगे, कर्म अगर अच्छा करोगे तो भगवान क्या करेंगे? अच्छा फल देंगे तुमको, और घटिया कर्म करोगे तो भगवान भी घटिया फल देंगे तुमको। इसलिए ये विश्वास रखना चाहिए भक्त को, है ना? भक्त को इस बात का विश्वास रखना चाहिए। बिंदु कवि ने एक बात कहते हैं, जो अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, है ना, वो कहते हैं उसके अंदर हीरा मोती भरा हुआ है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती है कहाँ? अंदर में, हृदय में, हृदय में। तो हृदय में राम नाम रूपी मोती है, हीरा है, तो कैसे मिलेगा ये कैसे मिलेगा, इस बात को समझना है। गुरु महाराज लिखते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अंतर की जो डगरिया है अद्भुत है, मैंने विलक्षण है, और उसी रास्ता पर चलकर के ईश्वर मिलते हैं, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते हैं, और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। सदगुरु को दाता कहा गया है, सदगुरु के समान कोई दाता है? जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं है। याचक होना चाहिए, दाता तैयार है। घटतम प्रकाश व शब्द पड़त रहे जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुधोरे योग साधन, ये हटाना चाहिए। पर्दा को हटाइए, अंधकार का पर्दा हटाइए, प्रकाश का पर्दा हटाइए, शब्द का पर्दा हटाइए, तब आपको परमात्मा मिलेंगे,
परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आज तक हम लोग स्वप्न देखते रहते हैं कि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अपने पर्दा को हटाए, पर्दा को नहीं हटाए, पर्दा को हटाई, पर्दा जब हट जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो जाएगा, है ना, तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, तब आपको, इसलिए मोटा मोटी पहले भी विश्वास रखना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास अपूर्ण भरोसा, गुरु महाराज लिखते हैं ना, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास अपूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये कसौटी संत मत का। तो अपने अंदर में हीरा मोती सब कुछ है और फिर भी हम कंगाल बने हुए हैं। बाहर से कंगाल दिखे, भीतर से लाल लाल है, गुदड़ी में छिपा हुआ वो गुदड़ी का लाल है। एक राजा था तो शिकार खेलने के लिए जंगल गया, ठीक है, शिकार खेलने के लिए कहाँ गया, जंगल। तो शिकार खेल करके राजा आ रहा था तो देखा एक झोपड़ी है, झोपड़ी के पास एक महात्मा बैठे हुए हैं। तो महात्मा को देख करके वो प्रणाम करता है राजा, बोलता पानी उन्हें भी पी लेंगे, पानी मांगा, महात्मा जी ने पानी पिला दिया। जब राजा जाने लगा तो सोचा महात्मा है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, पैसा का तंगी है, गरीब है, महात्मा जी हम राजा हैं, किस काम के, कुछ आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी इनकी, तो कुछ पैसे निकाल करके अपना काजी के हाथ में दिया कि लो काजी जी ये महात्मा जी को दे देना, गरीब है महात्मा जी। काजी गया महात्मा जी का, महात्मा जी आप बहुत गरीब हैं, राजा साहब ने आपको दिया है। तो महात्मा जी ने कहा कि काजी जी सुनिए, ये पैसा राजा साहब को लौटा दीजिए और उनको कह दीजिए ये पैसा किसी गरीब को दे देना। पैसा वापिस चला गया राजा के पास। तो राजा सोचता है कि अरे ये महात्मा जी गरीब नहीं है, इनसे गरीब कौन होगा। तो सोचा राजा कि लगता पैसा कम दिए हैं इसलिए महात्मा जी ने लौटा दिया। अपन मंत्री को भेजा मोटा पैसा दे करके, बोला अब महात्मा जी को दे आइए, महात्मा जी गरीब है उनको दे दीजिए, अभाव तो सबको होता है। तो पैसा लेके गया मोटा, बोला महाराज अब ले लीजिए, आपको भी तो खर्चा पानी है, जंगल में रहते हैं, रोटी पानी कपड़ा लगता है, इधर उधर बहुत खर्चा है, दवा दारू। महात्मा जी ने कहा नहीं मंत्री जी किसी गरीब को दे देना। तो बोला महाराज पैसा फिर लौटा दिया, फिर राजा के पास पैसा चला गया। तो राजा सोचा कि लगता है अब भी कम ही है, कुछ और पैसा मिला देते हैं। राजा साहब फिर गया, दो चार लाख रुपया लेकर के गया, बोला महाराज इसको ग्रहण करिए, आपसे गरीब कौन होगा। महात्मा जी ने कहा नहीं राजन हम गरीब नहीं हैं, हम सहन साह हैं, हम सहन साह हैं, अमीरों के अमीर बादशाहों के भी बादशाह हैं। तो बोला महाराज कैसे आप सहन साहों के सहन साह, फटे पुराने कपड़ा पहने हैं, आपके पैर में जूता चप्पल नहीं है, आपका मुंह सूखा हुआ है, आप सहन साह सहन साहों के सहन साह कैसे हैं। बोला हैं, आपके कुटिया में खाने पीने का सामान भी देखते नहीं है, गेहूं चावल भी नहीं है। तो महात्मा जी का देखना चाहते हो, बोला हाँ। तो महात्मा जी का देखो उधर, तो उधर क्या देखता है, चावल गेहूं चना दाल तेल मसाला सब भरा हुआ है, पूरा स्टोर भरा हुआ है। फिर महात्मा जी कहते और देखोगे, देखो इधर, इधर देखा सरोवर बह रहा है, इधर देखो देखा कपड़ा का पूरा भंडार है,
देखो राजन, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के भी बादशाह। तुम्हारे पास जितना भी लोहा है ना, मैं सोना बना सकता हूँ, हो सकती हमें। तो राजा प्रणाम करके चला गया, प्रणाम करके चला गया। जब अपना राजभवन में पहुंचा तो राजा सोचने लगा कि अरे हम राजा हैं और सोना का अभाव तो हमको भी है, बहुत काम करना पड़ता है, दान दक्षिणा इधर उधर, प्रजा का पालन, बहुत पैसा चाहिए, तो उतना तो हमारे पास है नहीं जितना चाहिए। अगर महात्मा जी गाड़ी भर करके 10-20 ट्रक लोहा लेके चले जाए और महात्मा जी सोना बना दे तो हम अमीर हो जाएंगे, हम शहंशाहों के भी शहंशाह हो जाएंगे। तो ये काम हमें करना चाहिए। तो 20 ट्रक में लोहा जो है लोड करवा के वहाँ पहुँचा। रात में महात्मा जी भजन करके सो गए थे, जा करके खटखटाया दरवाजा, महात्मा जी कहाँ खुल गई। बोला कौन भैया? बोला हम वही राजा हैं जो कल आपके पास आया था। तो बोला इतना रात में? बोला हाँ महाराज, एक जरूरत पड़ गई इसलिए आया। बोला क्या? बोला आपने कहा था ना कि तुम्हारे पास जितना लोहा है मैं सबको सोना बना सकता हूँ, तो हमको नींद नहीं आई, मैं यही सोचता रहा और मैं लोहा लेकर के आपके पास आ गया। तो बोला सुबह आते, रात में आना क्या जरूरी था, सुबह होने देते। तो नहीं महाराज, मैं तो आ गया, लेकर के आ गया। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? बोला उसको सोना बना दीजिए। बोला ठीक है, सोना तो बनाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारी सेवा करना होगा। बोला ठीक है, आपकी सेवा करेंगे, क्या दिक्कत है। राजा वहाँ रह गया, सेवा करने लगा महात्मा जी की। महात्मा जी ने उसको भजन करने का युक्ति बता दिया, ध्यान करने का, वो ध्यान भी करने लगा। ध्यान करते 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 संसार से उसका मन हटने लगा, उसको ज्ञान होने लगा, सच्चा ज्ञान, वैराग्य होने लगा संसार से, कि संसार नाशवान है, परमात्मा सत्य है। भजन करने लगा वो, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान सब करने लगा। अब उसमें शक्ति आने लगी। देखिए, लोहा को सोना बनाने की शक्ति किसमें है? दृष्टि योग में। दृष्टि योग में लोहा से सोना बनाने की शक्ति है। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर बर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़बत रहे महाचेतन से। ठीक है, साधन में पक जाएगा आदमी। सोना देखते हैं, सोना को भट्टी पर तपाते हैं तो चमकता है, नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक तांबा का लोटा था, तो सुबह सुबह रोज उसको साफ करते थे, रोज मलते थे घंटों। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा, बाबा ये तो साफ ही है, चकाचक इसको क्या साफ करते हो? बोला बेटा, इसको साफ नहीं करेंगे तो गंदा हो जाएगा, इसलिए रोज इसको क्या करते हैं, दर्पण में लागल काई तो दरस कहाँ थे पाई। कर गुरु से मेल गवारा, क्या सोचे तो बार हमारा, जब पार उतरना चाहिए तो केवट से बोल रही। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ओ बहुत दिन तक रहा, ध्यान भजन किया, उसको सच्चा ज्ञान हो गया। हाँ, तो एक दिन महात्मा जी ने पूछा कि राजन कहाँ है तुम्हारा लोहा, आज हम सोना बनाएंगे। कब? महाराज अब जरूरत नहीं है। अब लोहा से सोना बनाने की कला हमें आपने सिखा दिया है, इसका अनुभव मुझे हो गया है, अब लोहा से सोना बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ज्ञान हो गया, हमारे अंदर है वो ज्ञान, है
हमारे अंदर वो ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के है, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निस्तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। दो नैन, नैन माने आंख, जोड़ के उसको जोड़िए। एक बाई आंख है, एक दाहिनी आंख है, तो बाई आंख की बाई धार और दाई आंख की दाहिनी धार उसको क्या करिए, मिलाइए गुरु युक्ति से। जब मिलेगा तो क्या होगा, एक नोक बन जाएगा, एक बिंदु बनेगी, ठीक है, एक सेंटर बनेगा। अंतर में देख, मैंने कहते अंदर में देखिए और सुनिए भी, क्या देखिएगा अंदर में, बिंदु का दर्शन कीजिएगा और सुन सुन क्या सुनिएगा, तो परमात्मा की आवाज़ सुनिएगा, शब्द सुनिएगा, परमात्मा की आवाज़ सुनिए। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी, है ना, बिजली जो चमकती है और मेघ का जो गर्जन होता है, ये साधक सब अपने अंदर में सुनता है जो ध्यान करता है ना, जो ध्यान करता है। तो ये सब चीज सब मानव के भीतर है, लेकिन जब तक संत सदगुरु से दीक्षा नहीं लिया है, साधन भजन नहीं करता है, तब तक इन चीजों से दूर है, दूर है। इसलिए साधन भजन करना चाहिए, गुरु गुरु जो बताए हैं सो करना चाहिए। गुरु को सुमिरो मीत, अवसर क्यों खो बहो, गुरु को सुमरिए। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराए, सांझ का समय हो गया है भाई, सुरत अधर ठहराए, ध्यान कीजिए। सहजो भाई कहती है गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, भयाजी हरी रस पी मतवारा। मैं हरी रस पी करके मतवाली हो गई। अपने देश में बहुत सारे संत हुए, संत कबीर साहब, संत गुरु नानक साहब, दादू दयाल जी महाराज, पलटू साहब, भक्तिमती मीरा भाई, सहजो भाई, बहुत है, जनी भाई। संत गुरु नानक साहब के समय की बात है, संत गुरु नानक साहब का एक शिष्य था, उसका नाम था झंडा। क्या नाम था? झंडा। झंडा बड़ा आज्ञाकारी था लेकिन बहुत गरीब था। परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देते हैं, किसी का शरीर भी बहुत सुंदर हो, बहुत विद्वान भी हो, बहुत धनवान भी हो, ऐसा नहीं होता है। कोई धनवान है तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है तो विद्वान नहीं है। माने हर पदार्थ, हर वस्तु अगर किसी को मिल गया हो तो समझिए बड़ा भाग्यशाली है, भक्ति का भी संस्कार हो वो, उसको बोलते हैं बहुमुख प्रतिभाशाली। क्या बोलते हैं? बहुमुख, हर प्रतिभा से संपन्न, हर प्रकार की योग्यता, हर प्रकार की दक्षता, हर प्रकार की क्वालिटी है। तो झंडा जो था, झंडा से गुरु नानक साहब अपने शिष्य को भेज दिए, बोले जाओ झंडा से कह देना 500 असरफी लेकर के आएगा। खुश हो गया, नाचने लगा झंडा, मजदूर है अब 500 असरफी कह दिए गुरु नानक साहब, तो नाचने लगा। तो बोलते एक आदमी बोलता नाश्ता क्यों है जी, बोला नाचे नहीं तो क्या करेंगे, अब व्यवस्था गुरु महाराज ने करेंगे। देखिए बोलता व्यवस्था तो गुरु महाराज नहीं करेंगे, अरे वो मांगे हैं तो वही देंगे। देखिए कितना विश्वास है गुरु में, विश्वासम फलीभूतम, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रबही न राम, राम कृपा बिनु सपने ही जीवन लही विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, जब तक विश्वास नहीं करते तब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होते, जब तक राम जी द्रवीभूत नहीं होते तब तक सपने में भी जीव को विश्राम नहीं मिलता है। झंडा के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है,
देखिए कहा गया गुरु मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छे सो ही फल पाए। अब गुरु नानक साहब मांगे तो स्वयं व्यवस्था भी करते हैं, गुरु नानक साहब प्रेरणा दे देते हैं एक दूसरा राजा को, ये राजन क्या बात है, हमारा भी एक पहलवान है झंडा, तुम कुश्ती लड़वाओ से, तुम क्या समझता है तुम्हारे पहलवान मजबूत है, हमारा भी पहलवान है, उसको प्रेरणा दे दिए। अब प्रेरणा दे दिए तो झंडा भी वहाँ पहुँच गया, चारों तरफ अनाउंस हो गया, है ना, अनाउंस हो गया। अब देखिए ये जाके चैलेंज कर दिया को झंडा कि हम तुमसे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे। तो बोला अरे तू क्या लड़ेगा, दुबला पतला है, कमजोर है, हड्डी पसली कर दूंगा। बोला अरे मैं लड़ूंगा, आजा, खामखा बात करता है, मैं लड़ूंगा, आओ बात मत कर। अब चैलेंज कर दिया तो वो भी उतर गया अखाड़े पर, ठीक है लड़ो। अब देखने के लिए, कुश्ती देखने के लिए नगर गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो अब दोनों में कुश्ती प्रारंभ हुआ। राजा ने इनाम गछा, क्या जो अखाड़े में जीतेगा उसको मुहमागा असरफी मिलेगा और जो हारेगा उसको 500 असरफी मिलेगा। बोला हमारा तो दोनों आत्मलड्डू है, यदि हारी हो जाएंगे मर जाएंगे तो 500 असरफी मिल जाएगा, तो गुरुजी का आदेश पालन हो जाएगा, सेवा हो जाएगी, अगर जीत गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन गुरु ने हमको वो संपत्ति दे दिया है ना, मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे मोती मिले आगे नहीं कहूंगा, वो बात हम नहीं कहूंगा, बिन मांगे मोती मिले तो मुझे पहले बुझाए तो मुझे जो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो युद्ध छिड़ गया कुश्ती। अब देखिए मस्किनिया इतना मजबूत है कि किसी को पकड़ता था तो ऐसे उठा के फेंकता था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जाके गिरता था, मर जाता था। लेकिन मस्किनिया से जैसे ही हाथ मिलाया झंडा तो इतना जोर से हाथ पकड़ के नीचे की तरफ धक्का मारा कि वो नीचे और इसके छाती पर बैठ गया, कौन, झंडा। अब तो ताली बजने लगी, ताली बजने लगी, मस्किनिया हार गया, मस्किनिया हार गया, मस्किनिया हार गया। हाँ, तो कहा कि बादशाह ने पूछा कि भाई क्या बात है, दुबला पतला आदमी तुमको हरा दिया, इतने बड़े बड़े नामी पहलवान को तू पछाड़ देते थे, 1 किलोमीटर की दूरी पर गिरता था, 5 किलोमीटर की दूरी पर गिरता था और एक छोटा सा पहलवान तुमको पछाड़ दिया, दुबला पतला क्या बात है। तो मस्किनिया ने कहा कि महाराज सच्चाई बता दूं। बोला हाँ बताओ। बोला आज तक मैं जिस पहलवान से लड़ा था वो अपना बल लेकर के आया था, लेकिन ये जो दुबला पतला पहलवान है एक गुरु का बल लेकर आया है, एक गुरु की शक्ति लेकर के आया है, तो सारे बलों में गुरु बल श्रेष्ठ है। असार संसार सहे गुरु बल तरु हो, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहु हो, असार संसार सहे गुरु बल तरु हो। तो असार संसार में गुरु का बल लेकर के हम क्या करेंगे, पार उतर जाएंगे, है ना। तो हम गुरु का बल प्राप्त करेंगे, तो गुरु का बल कैसे प्राप्त होगा, ध्यान करने से। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है, हे भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। इतना ध्यान किया भगवान बुद्ध ने भी और उनके शिष्यों ने भी। उनका नाम क्या था जानते हैं, भगवान बुद्ध का जब शरीर छूटा, कहाँ छूटा था, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में गया, बहुत बड़ा मूर्ति बनी हुई है भगवान बुद्ध का, बतलाते वहीं शरीर छोड़े हैं भगवान बुद्ध। जब शरीर छोड़ दिए तो बक्सा में रखा गया उनका पार्थिव शरीर को, उनके शिष्यों ने, और
कई दिन तक रखा, जब तक सब शिष्य नहीं आ जाएंगे, बड़े बड़े शिष्य, तब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा। तो बड़ा पूर्व से तोप करके बढ़िया से रखा, सब शिष्य आ गए लेकिन काश्यप नहीं आए। तो जल्दी जल्दी होने लगे कि भाई इतना दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अब तो कम से कम आचार्य का अग्नि संस्कार करो। तो रास्ते में आ रहे थे, कौन? काश्यप, बहुत बड़े महात्मा थे। तो काश्यप आए नहीं, ये लोग अग्नि संस्कार करने लगा, चिता बना करके रख करके अब काठी लगाने लगा, जलवन करे प्रज्वलित ना हो। तो सोचे काश्यप, बोले सब घबरा रहा है, वहीं से सब देख रहे हैं काश्यप। तो आकाश मार्ग से आ जाते हैं काश्यप, सब लोग खड़े हो जाते हैं। और काश्यप जी क्या करते हैं, साधनशील है ना वो, तो वो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं कहाँ, डेड बॉडी के पास, और सीधे खड़े हो जाते हैं और दृष्टि की चेतन धार को मिलाते हैं, दृष्टि योग करते हैं। दृष्टि की चेतन धार को एक बिंदु पर मिलाया तो देखा कहाँ, उनके ललाट में देखा, भगवान बुद्ध के ललाट को निहारा, और वहाँ अग्नि जल गई, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, वहाँ ज्योति जग गई और चिता में आग लग गई और धाएं 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 जब जली ने तो सुगंध आने लगा। देखिए भगवान बुद्ध इतने साधन किए कि जब उनके बॉडी से भी सुगंध निकलने लगा, है ना। देखिए शरीर को जतन से ओढ़ना, महापुरुष संत शरीर को जतन से ओढ़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी और जस की तस धरधीनी चदरिया और झीनी झीनी बीन चदरिया। पवित्र जीवन बिताइए, भोगी जीवन मत बिताइए, पवित्र जीवन बिताइए। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ से अपने आप को बचाइए और दीक्षा लेकर के भजन कीजिए, वही जिंदगी है, नहीं तो पशुपत जिंदगी, पछताना पड़ेगा। हाँ, अंत में पछताना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, खाया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरा घर के मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर, सेवा करिए अपने पति की, ठीक है, बच्चों का पालन कीजिए और सदगुरु से युक्ति जान करके भजन कीजिए, अपना काम धंधा भी कीजिए। आज सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री अविनाश बाबू के घर में हम आए हैं, है ना। ये दोनों पति पत्नी सत्संगी हैं और इनका बेटा भी बेटी भी इन्हीं के मार्ग पर चलते हैं और ये अक्सर सत्संग करवाते रहते अपने घर में। हमारे अनिल जी हैं, हनुमान जी, है ना, यही लिखते हैं सबका।